रुख करेंगे कराची का, जहां एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिचुएशन है जी 38 समथिंग है, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूं आपको। और सिंध हुकूमत ने इसका हफ्ते भर का तज्जिया किया, तो जो हफ्ते भर की सिचुएशन है उसमें सारे सूबे के अंदर एक हफ्ते की एवरेज पॉजिटिविटी रेशो 17% है, 17.25% पूरे सूबे में। कराची शहर के अंदर 30.7% 30.7% और हैदराबाद ज़िले के अंदर 6.8% 6.8%। ये सूरत हाल है। अगर 20 रोज पहले आप अपने हस्पतालों पर नज़र डालते तो आपके पास टोटल पेशेंट्स जो वेंट पे थे वो सिंगल डिजिट में थे, 7-8 के लगभग। और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हाई डिपेंडेंसी यूनिट हो या बाईपैप जो फैसिलिटी है उस पर जो पेशेंट्स हैं वो भी तकरीबन कोई 30 या 35 के लगभग होते थे। पिछले 24 घंटों में सिंध भर में ये नंबर अब बढ़ के वेंटिलेटर पे 22 अफराद का हो गया जो क्रिटिकल हैं इस वक्त, और तकरीबन 125 पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या बाईपैप पे हैं। ये शो करता है कि कितना तेज़ी के साथ ये वायरस ना सिर्फ पॉजिटिविटी रेशो में तब्दीली लेके आ रहा है बट उसके साथ साथ अब थोड़ा हमारे हस्पताल पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। मैं पिछले कई रोज़ से आप दोस्तों के ज़रिए शहरियों को मुखातिब होकर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमने अपनी मामूलात ज़िंदगी में बेपनाह रिलैक्स हो गए। हमने मास्क पहनना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। चाहे हमारी कोई समाजी सरगर्मी हो, कोई और सरगर्मी हो, हम मास्क नहीं पहन रहे। और ये बुनियादी वजह है इस कोरोना वायरस के फैलाव का, जिस तेज़ी से ये इस वक्त मुल्क भर में फैल रहा है। तो एक बार फिर मैं शहरियों से मुखातिब होके ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मास्क को ज़रूरी तौर पर पहने। जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई वो वैक्सीन फौरी तौर पर लगवाएं, और जिनका बूस्टर शॉट ड्यू है वो अपना बूस्टर शॉट भी लगवाएं। वैक्सीन वाफिर मकदार में हस्पतालों में, वैक्सीनेशन सेंटर्स में अवेलेबल है शहरियों की फैसिलिटेशन के लिए। डॉक्टर्स ये बताते हैं, और बहुत सारे जिस तरह मेरे जानने वाले पिछले दिनों कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए, आपके जानने वाले भी कुछ हुए होंगे, कुछ सीनियर सियासतदान भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं, और अगर आप उन सब से बात करें तो सब आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन ने काम किया है, कि उन्होंने चूंकि वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन उनको लगी हुई है, बूस्टर शॉट उनको लगा हुआ है, तो उनको सिम्टम्स कोई इतने संगीन नहीं हो रहे, सिवियर नहीं हो रहे, माइल्ड सिम्टम्स हैं। और वो फिर जो डॉक्टर्स का एडवाइस किया हुआ क्वारंटीन पीरियड है वो ख़त्म करने के बाद रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तमाम टीवी चैनल्स पर, मीडिया हाउसेस पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को हमें दोहराने की ज़रूरत है कि वैक्सीन काम कर रही है, और जिनको भी अल्लाह ना करे ये वायरस वापस लग रहा है, वैक्सीन की वजह से उसको सिम्टम्स हल्के हो रहे हैं। इसके साथ साथ बदलती हुई सिचुएशन की वजह से कुछ फैसले पाकिस्तान भर में होने जा रहे हैं, और मैं अपने सूबे के हवाले से आपको बात बताना चाहूँगा। एनसीओसी ने कुछ रिकमेंडेशंस तमाम सूबाई हुकूमतों को कन्वे की थी और हमारे पास भी वो आई, जिसके हवाले से अब से कुछ देर बाद इंशाल्लाह नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया जाएगा। और फैसला ये किया गया है, एनसीओसी ने जो रिकमेंड किया है कि उन शहरों में जहाँ पर पॉजिटिव केसेस का तनासुब 10% से ऊपर है वहाँ पर इनडोर सरगर्मियाँ जो हैं उन पर पाबंदी लगाई जाएगी, और इस पाबंदी का अतलाक 24 जनवरी से होगा, यानी कि आज नहीं 24 जनवरी से इसका अतलाक होगा। बुनियादी तौर पर इनडोर जो सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर सख्ती की जाएगी, क्योंकि वहाँ से
एक बड़ा फैक्टर है इसके फैलाव का, जिसके अंदर चाहे सोशल गैदरिंग्स हो, रेस्टोरेंट्स की, होटल की इंडोर डाइनिंग हो, या इंडोर शादी ब्याह की तकारीब हो या समाजी तकारीब हो, इनके ऊपर 24 जनवरी से पाबंदी रेकमेंड की गई है। इस वक्त वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। ऐसे ही ये फैसला हो जाएगा, ये फैसले की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन जो रिकमेंडेशन हमारे पास आई है वो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं दूसरी बात जो बड़ी, अगेन जिस तरह कोरोना वायरस की सिचुएशन बड़ी संगीन होती जा रही है, इस मौजूदा हुकूमत के मिनी बजट की वजह से मुल्क भर में जो महंगाई की, गुर्बत की, बेरोज़गारी की सिचुएशन है वो भी उसी तरीके से संगीन होती जा रही है। आप सबको याद होगा वफाकी हुकूमत के तर्जमानों ने, उनके वज़रा ने कहा था कि ये रूटीन की बात है, इससे कोई महंगाई नहीं होगी, कोई महंगाई में इजाफा नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि मिनी बजट पास होते ही 4.25 रुपये बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, तकरीबन 4 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, और अब अद्वियात और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी इसका बोझ आना शुरू हो गया है। मैं कल किसी अस्पताल के MS से बात कर रहा था तो उसने बताया कि सर हमने एक मशीन अभी इंपोर्ट की थी, उस मशीन जो कि एक अहम बीमारी के लिए, जो एक गरीब आदमी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराता है आके सरकारी, उसने बताया कि 5 करोड़ रुपए हमें टैक्स पे करना पड़ा है उस मशीन की इंपोर्ट पे। इमेजिन कीजिए कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से, और खुदा का शुक्र है कि वो फैसिलिटी हमारे सूबे में तो मुफ्त है, बाकी सूबों में तो गरीब आदमी को पैसे देने पड़ते हैं उसके, जो कि बाद में सेहत कार्ड के ज़रिए आपको पता है किस तरीके से माशाल्लाह ये अपने ATMs को नवाजने का इन्होंने एक नया फार्मूला क्रिएट किया है। तो गुजारिश मेरी ये है कि महंगाई का एक और बम जो उन्होंने मार दिया है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पे, उसका अब इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आना शुरू हो गया है। और सेहत के शोबे में चाहे मशीनरी हो या अद्वियात हो, इनमें तकरीबन कोई 20% महंगाई इजाफा होना शुरू हो गया है, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ एक आम आदमी को होगा, बिकॉज वो शख्स जो प्राइवेट अस्पताल से अपना वो ट्रीटमेंट कराएगा, वो प्राइवेट अस्पताल तो उस पेशेंट से पैसे रिकवर करेगी, वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उस दवाई को या तो इंपोर्ट कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, या उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है इस महंगाई की वजह से, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपसे मुझसे जो दवाई खाने वाले लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनसे उसको रिकवर करेंगे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने जा रहा है इनकी नाअहली की वजह से, इनकी गलत बयानी की वजह से। दूसरा मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब बार बार अपने आप को ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के अम्बेसडर कहते हैं कि मैं बड़ा मुकदमा लड़ता हूँ इसका। अब इनके कॉल ऑफ फेल में क्या तजाद है कि अपने आप को ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के अम्बेसडर कहते हैं और कहते हैं कि मेरी हुकूमत एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुकूमत है, और जो मिनी बजट के जरिए फैसला किया जा रहा है वो फैसला ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो चीज़ें हैं, सोलर पैनल वगैरह जो हैं, उसके ऊपर इजाफी टैक्स लगाया गया, और अगेन तकरीबन कोई 20% उसकी कीमतों में इजाफा होगा। अब गरीब आदमी मजबूर है या आम आदमी मजबूर है, वो कहता है मुझे बिजली तो आप दे नहीं रहे, मुल्क के हर हिस्से में लोड शेडिंग हो रही है, आप अंदरूनी सिंध जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि लोग किस कर्ब से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं कि गर्मी में बिजली नहीं देते ये लोग, सर्दी में गैस नहीं देते ये लोग, और यही हाल सारे पाकिस्तान में इनकी नाअहली की वजह से है। तो गरीब आदमी जिसने अपनी बिजली की झंझट से निकलने के लिए फैसला किया था कि मैं सोलर पैनल छोटे से अपने घर पे लगा लूँगा ताकि घर का पंखा, लाइट वगैरह जल सके,
जिस गरीब आदमी ने फैसला किया था, छोटे जमींदार ने, कि मैं अपना ट्यूबवेल पानी के हवाले से उसको मैं सोलर पैनल पर लेके जा रहा हूं, क्योंकि बिजली तो सरकार दे नहीं रही और जो दे रही है वो इतनी महंगी है कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब वो इस कश्मकश का शिकार है कि वो कैसे इस महंगाई का सामना करेगा। और अगेन समझने की ज़रूरत यह है कि जब वो महंगी चीज़ ख़रीदेगा तो जो काश्त वो कर रहा है, जो सब्ज़ी वो उगा रहा है, जो बाकी चीज़ें वो कल्टिवेट कर रहा है, उसकी कीमतों में इजाफा होगा, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगतेगी। इसी तरह हर चीज़ में इन लोगों ने अवाम का इस्तेहसाल किया है। आखिर में मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा और फख्रिया कहना चाहूँगा कि हमारे सूबे में ऐसे हस्पताल, ऐसा हेल्थ नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है जहाँ पर पाकिस्तान भर से पेशेंट्स का मुफ्त इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है, चाहे वो NICVD की शक्ल में हो, जिन्ना अस्पताल की शक्ल में हो, SIUT इंडस हॉस्पिटल की शक्ल में हो, NICH की शक्ल में हो। इन लोगों ने अपने सूबों में, अपने वफाक में, जहाँ इनकी हुकूमत कायम है, वहाँ पर अपने हेल्थ के निज़ाम को ठीक नहीं किया, जिसकी मिसाल ये है कि आज सारे सूबों से लोग हमारे सूबे में आते हैं अपना मुफ्त इलाज करने के लिए, दो वजूहात की वजह से। एक कि इलाज मुफ्त होता है और दूसरा ये कि इलाज अच्छा होता है। 60-70 लाख रुपए का जो ट्रांसप्लांट इस्लामाबाद में पिंडी में होता है, अगर वो गंबट में मुफ्त हो जाता है, या 20-25 लाख रुपए का जो कार्डियक केयर का खर्चा आपको लाहौर में करना पड़ता है, बहावलपुर में करना पड़ता है, मुल्तान में करना पड़ता है, अगर वो शक्कर खैरपुर सेवन में हो जाता है, तो लोग मुफ्त होने की वजह से और अच्छा होने की वजह से हमारे सूबे का रुख करते हैं। और नंबर दो ये कि आप 8 साल से इख्तदार में खैबर पख्तूनख्वा में और 3.5 साल से आप पूरे पाकिस्तान पे विराजमान हैं, आप अपने अंडर चलने वाले अस्पतालों को ठीक नहीं कर पाए, और आपने इसका बरमला इत्तफाक कर लिया जब आपने सेहत कार्ड अनाउंस किया कि आप प्राइवेट अस्पताल का रुख करें, यानी कि जो आपके दोस्त यारों के अस्पताल हैं उनको आप पेमेंट हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब करेगी, ताकि आप अपने दोस्तों को नवाज सकें, क्योंकि अगर ये पैसा आप सही तरीके से यूटिलाइज करते तो आप अपने अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक बना सकते थे। तो उसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च की तो पता चला कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि डेंगू हो, कोरोना हो, जो अभी स्मॉग की वजह से सारे पंजाब में लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, ये सेहत कार्ड के ज़िम्मे में नहीं आएगा। अगर कोई हादसे में आप मुब्तला हो जाए, आपका अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपको अस्पताल जाना पड़े, तो ये सेहत कार्ड आपकी खिदमत नहीं कर पाएगा, आपका मसला हल नहीं कर पाएगा। तो आप लोग सोच रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि सेहत कार्ड का मकसद क्या है, क्योंकि लोगों को जो चूरन उन्होंने बेचा था वो ये था कि तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का प्रोग्राम आ गया है, आप बीमार हो और आप चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि, यानी कि आज अगर अल्लाह ना करे आपको अस्पताल जाना पड़े सांस की बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, डेंगू की वजह से, तो ये सेहत कार्ड नहीं चलेगा। और फिर ये तनकीद करते हैं हम पर। आखिरी चीज, कराची के हवाले से बड़ी तनकीद की जाती है, क्योंकि फैशनेबल है पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना। कल काबीना के इजलास में कराची के जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कुछ बड़े फैसले किए गए, जो कि वायबिलिटी गैप फंड VGF कहते हैं उसको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के अंदर उसके हवाले से किए गए, जिसमें
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मलीर एक्सप्रेस वे है, मैं समझता हूँ सिर्फ कराची के लिए नहीं सारे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम संग मील वो साबित होगा, उसकी मंजूरी दी गई। इसी तरीके से आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है या आपका जो बीच वाला एरिया कोस्टल बेल्ट, वहाँ पर मौरीपुर एक्सप्रेस वे सिंध हुकूमत बना रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।